अस्सलामुअलैकुम। तो मुझे आज बाइंडिंग करने बैठना है बच्चों के बुक्स की। तो सबसे पहले बच्चों को बिजी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो मुझे बाइंडिंग करने नहीं देंगे। तो सबसे पहले उनको बलून फुका लूँ तो ताकि ये बिजी रहे और मेरा काम पूरा हो जाए। बराबर लेवल काटना है तो देख लीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए था। तो चलिए मैं अभी इतनी दूर तक फोल्ड करती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, तो ये एक साइड हो गया है। देखिए फर्स्ट यहाँ का ऊपर का जो साइड है हमें उसको इस तरह से करना है फोल्ड। उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस दो साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। हमें कट बिल्कुल भी नहीं लगाना है सेंटर में। तो दो तरफ हो गया और तीसरी तो बचा हुआ है उसको भी हम इसी तरह से, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा एक साइड का डन हो गया। देख लीजिए एकदम परफेक्ट देख सकते हैं आप। तो चलिए दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे। हमें जो ये बचा हुआ है वो हम इस तरह से बुक उठा के बुक के अंदर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देख लीजिए हमें काटना नहीं पड़ता है, इस तरह से हम करेंगे तो इस तरह से हमें जो देखिए इस तरह से रहता है। हमें थोड़ी सी उठा के इस तरह से हमें इसे अंदर ढकना है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से नीट से आ गया। ऊपर वाला हिस्सा भी हमें उसी तरह से करना है। तो चलिए ऊपर वाले हिस्से को नीचे ला लेंगे। हमें तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी कुछ इस तरह से ही करना है। इस तरह से इसे बराबर लेवल करना है हमें। तो ये एक साइड का ऑलरेडी हो चुका था हमारा, और सेकेंड साइड का जितना भी बचा हुआ है उसे हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। तो देख लीजिए हमारी बाइंडिंग हो गई। बस बहुत ही इजीली हो जाती है अगर आप इस तरह से करेंगे। तो देख लीजिए बहुत ही इजीली भी हो गया और काटने की झंझट भी नहीं पड़ी और मार्किंग डालने की भी झंझट नहीं पड़ी। तो चलिए हमें पिन मार डालेंगे। तो सबसे पहले पिन मारूंगी मैं इधर,
कॉर्नर में। और इधर और इधर एक आप चाहिए तो सेंटर में भी मार सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे सेंटर में मार रही हूँ ताकि इसकी मजबूती अच्छी से रहे। छोटे बच्चों को अगर बुक देंगे तो बच्चे तो इसी तरह से करेंगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि बच्चों को क्लीन से करके दें, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेंगे बाइंडिंग। तो इसी तरह से हमें कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे हमें। एक मारना है तो देख लीजिए, आसानी से बाइंडिंग हो चुकी है। आप भी इस तरह से बाइंड करिए, बहुत ही इजीली हो जाता है। तो चलिए सारे बुक्स को मैं इसी तरह से कर लेती हूँ और क्लीन भी हो गया, बहुत अच्छे से एक लुक भी आ गया, देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप हमारी बाइंडिंग कितनी अच्छे से क्लीन से हुई है, और यहाँ भी देख लीजिए बहुत अच्छे से क्लीन से हो गई है बाइंडिंग। आप भी इसी तरह से यूज़ करिए, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं सारी बाइंडिंग करना।